प्लाईवुड तीन भागों में टूट जाता है, जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। यदि प्लाईवुड 7:3:2 की वजन में टूटा होता तो 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होती। प्लाईवुड की वास्तविक कीमत क्या थी ये बताना। देखिए एक चीज बताइए, पता है इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर मैं 9:2:1 को जोड़ रहा हूं तो भी 12 आ रहा है, और 7:3:2 को जोड़ रहा हूं तो भी 12 आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल ना आ रहे होते तो हमें इक्वल बनाने पड़ते, क्योंकि एक ही प्लाईवुड है जो टूट रहा है। तो अभी तो ये 12 आ रहा है, तो मैंने ये कह दिया कि ये टोटल वेट इनिशियली कितना था, 12 था भाई टोटल वेट इनिशियली। एक बार यही 12 9:2:1 में टूट रहा है, एक बार यही 12 7:3:2 में टूट रहा है, एक बार यही 12 9:2:1 में टूट रहा है, एक बार यही 12 एक बार 7:3:2 में टूट रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं बात। आप कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब मैंने कहा कि ओरिजिनल कीमत की अगर मैं बात करूं तो 12 का मतलब होगा 144। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि सवाल में खुद लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि प्लाईवुड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो मैं कीमत सीधे निकाल रहा हूं, कॉस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं कि पहले वेट है और फिर ग्रुप कॉस्ट है, ये कॉस्ट ये वेट, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे कॉस्ट की बात करूं, ये वेट था दोनों का, इधर कर लो ऐसे, समझाने का तरीका देखो कितने प्यार से समझा रहा हूं। अब मैंने कॉस्टिंग की बात की तो आपने कहा कॉस्टिंग होगी 9×81 2×2=4+1 86 इसकी कॉस्टिंग होगी, ठीक है। दूसरा 77 49 3×3=9 2×2=4 9 और 4 कितनी कीमत होगी, तो आप कहेंगे 9 और 4 13 और ये टोटल कितना आ गया भाई 62। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा मेरे प्रभु कि लॉस कितने का है, यहां से यहां तक लॉस कितने का है, तो आप कहेंगे 24 का लॉस आ रहा है। यहां से यहां तक अगर हम देखें तो लॉस गुरु 24 का है, और इस 24 की वैल्यू सवाल में ये है। बोलो अगर 24 की वैल्यू सवाल में 448 है तो कई लोग तो एक की वैल्यू निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो 144 की चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट पूछिए प्लाईवुड की। तो मैंने क्या किया, 6 से गुणा कर दिया इसको, 6 से गुणा करने पर 144 की वैल्यू कितनी आ गई, 2688, यही आंसर है।